ये पांच ट्रैक्टर है भाई, और ये करेंगे प्लो, और प्लो मैंने पांच यहाँ पे किराए पे लिए हैं 10-10 मीटर के भाई, ये ओरिजिनल प्लो है। ओ भाई सड़क पे आ गया प्लो, जल्दी हटाओ जल्दी हटाओ भाई, ट्रैफिक जाम होने वाला, पीछे गाड़ियां आ रही है, जल्दी कर जल्दी कर। सिद्धू मूसेवाले पाजी गंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो भाई 11 पे फर्स्ट क्लास, नॉलिका नहीं खींच पा रहा यार बताओ। ओ भाई तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही लगाया, क्योंकि भाई ये एक ही चार के बराबर है, ये देखो। राइट को जाओ, राइट को प्लीज प्लीज प्लीज। ओए संदू पाजी मजा दिलाता। तो लोग गाइस 38 मिलियन डॉलर हो चुके भाई अपने पास, कॉटन अभी तक जाए जा रहे भाई। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है भाई आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू स्टार गेमर्स चैनल। तो दोस्तों आज मैं फिर से खेलने वाला हूँ FS19 यानी के फार्मिंग सिमुलेटर 19। तो भाई पिछली बार मैंने प्याज काट के बेची थी 200 एकड़, तो आज भाई उस खेत को मुझे करना है प्लो, और अपने पास प्लो करने के लिए भाई आज है 5 ट्रैक्टर। तो ये है स्वराज और भाई कूनर और फार्म ट्रैक आयशर, आयशर का इंजन यार इतना तगड़ा नहीं है, चलो देखते हैं कैसा काम करेगा। और भाई सिद्धू मूसेवाले भाजी का ट्रैक्टर 8-11, मुझसे पिंड उठा तूफान देख ला। तो भाई ये है आगे लिखा भाई है कोई और। तो ये 5 ट्रैक्टर है भाई, और ये करेंगे प्लो, और प्लो मैंने 5 यहाँ पे किराए पे लिए हैं 10-10 मीटर के भाई, ये ओरिजिनल प्लो है 10 मीटर का, यानी कि भाई 30-35 फुट का। अब ट्रक वाले क्यों आवाज कर रहा। तो ये 5 प्लो है इनके साथ भाई, आज खेत को प्लो करना है, अभी करते हैं प्लो। और मैंने पिछली बार कूनर के साथ लगाई थी भाई कॉटन 37 नंबर और 39 नंबर पे, तो कॉटन गई भाई पक, तो चलते हैं कॉटन को काटेंगे। तो भाई चलते हैं इसके अंदर, इधर चल के ये। तो भाई यहाँ पर मैंने लगाए फेंडेट आइकॉनिक कंपनी के हैं ये कॉटन हार्वेस्टर, तो ये वेल नहीं बनाते, ये कॉटन को काट के और भाई फिर इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हम इसको बेचेंगे। तो आज मैंने लगाया भाई यहाँ पर पिंक, क्योंकि भाई पिंक कलर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे चैनल को भाई लड़कियाँ भी देखती हैं। और ये खेत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब 100 एकड़ का तो है ही है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही लगाया, क्योंकि भाई ये एक ही चार के बराबर है, ये देखो। तो भाई 9 बजे शुरू करा था मैंने काम और 11:30 हो गए। तो भाई यहाँ पे इसको करना है ऑन, चल भाई यहाँ पे काटनी है कॉटन भाई, बहुत ही बड़ा, तो ये एक ही बहुत है भाई यहाँ पे। सॉरी भाई आंसी पता नहीं क्यों आ रही। तो ये एक लगाया मैंने 100 एकड़ के ऊपर, देखते हैं। लवली बाजी आए पहले, वाह भाई वाह। और यहाँ पर भाई लगाए हैं 4, ये खेत है 200 एकड़ का, 200 से भी ज़्यादा ही है यार। तो ये है 226 एकड़ का खेत भाई, 226 और भाई 100 एकड़, तो 350 एकड़ आज हमने कॉटन काटनी है। और इसके साथ मैंने भाई छोटे छोटे लगाए हैं, ये 11 मीटर का है। तो फटाफट से यहाँ पे लगाते हैं हेल्पर, फिर चलते हैं प्लो करते हैं अपने ट्रैक्टरों के साथ। तो आज ट्रैक्टरों की होने वाली भाई टेस्टिंग जबरदस्त। ओके भाई ये लगा एक बॉबी, ओके चल भाई तू भी हो जा शुरू, और इसको लगाते हैं। मैंने पहले ही सब कुछ सेट कर दिया मामला ये भाई। ओके बॉबी पन्नू पाजी आ गया है, और यहाँ पे देखते हैं कौन आने वाला है ये। अच्छा इसने पाइप खोल दिया, इसने सोचा कि भाई ट्रॉली आ गई है, संधू पाजी ने पाइप खोलता, संधू पाजी अजय ट्रॉली नहीं आई, तुम अपना काम करो। तो इसको भाई थोड़ा साइड में लगाना पड़ेगा, तो एक बार इसको इधर करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ बस ठीक है, यहाँ लगाते हैं भी हेल्पर। लो भाई टिंकू जिया पल पल ना माने टिंकू जिया, और भाई एक बार देख लेते हैं जरा लवली बाजी, देखो बहुत ही फुर्ती के साथ आ रहे हैं। इसकी स्पीड टोटल भाई 27 की है, तो ये मुझे लगता है देखो इतनी बड़ी लाइन कट गई। तो ये भाई 28 मीटर का है, वो है 11 मीटर का, तो ये लगा लो कि एक हार्वेस्टर 3 के बराबर काम कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर एक ही लगाया। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और लगा लेंगे यार, क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे बहुत है अपने को। तो अब संधू और टिंकू भाजी को मुझे एक बार सेटिंग करनी है इनकी, भाई ये जाएंगे लेफ्ट को, वो जाएंगे राइट को, अगर ये गड़बड़ कर गई तो फिर मुझे सेट करने पड़ेंगे। तो एक बार देख लेते हैं ज़रा। तो इसके अंदर कॉटन भाई देखो ऐसे आती है, तो वैसे हो सकता है मैंने तो कॉटन कटते हुए ऐसे देखी नहीं है, वैसे तो बेल ही बनती है, हो सकता है कॉटन ऐसे भी कटती हो, तो कमेंट करके बताना कॉटन भाई हार्वेस्टर से भी कटती है क्या। और ये पौधे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, महल 5 फुट के आसपास होगा कॉटन का पौधा, और वो हार्वेस्टर देखो कहाँ पहुँच गया, और वो सबसे पहले भाई बॉबी बाजी सबसे पहले पहुँचेंगे, फिर पहुँचेंगे पन्नू बाजी, फिर संधू और फिर टिंकू।
चल भाई इनकी स्पीड कम है भाई, 20 की है तो वो बड़े वाले हैं, अगर मैं बड़ा वाला लगाता तो भाई जल्दी कट जाती बहुत ही, लेकिन मैंने कहा चलो यार छोटे छोटे लगाते हैं भाई। जब तक हम प्लो करेंगे आज खेत को 200 एकड़ को प्लो करके वहाँ पे कोई फसल लगाएंगे। आज शुगर बीट नहीं लगाई यार, बहुत टाइम हो गया, आलू भी नहीं लगाया, तो आलू या शुगर बीट में से एक लगाता हूँ, तो कॉटन बेचेंगे और उसको प्लो करके वहाँ पे कुछ प्लांट करेंगे, बस आज का भाई यही प्रोग्राम है और कोई प्रोग्राम नहीं है। बाकी गाय वगैरह है अभी दूध नहीं मिला यार, गाय को भी चेक कर लेते हैं एक बार ज़रा, यहाँ पर चलते हैं तो जानवर अपने। ओ भाई अपने घोड़े 50,000 के हो चुके हैं, लो भाई आज घोड़े बेच के नए घोड़े ले लेंगे। तो ये इन्होंने अभी दूध भाई 3400 लीटर खैर दे दिया, क्योंकि मेरे को 3 दिन आगे करने पड़े थे कॉटन के लिए, तो कॉटन 3 दिन में पक गई है। तो इस FS-19 के अंदर अच्छी बात ये है कि FS-20 की 2 की तरह ये एक साल बाद फसल नहीं उगाती, ये 3 दिन में उगा देती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन, तो वो सीजन के हिसाब से चलती है, ये चलती है गेम के हिसाब से, तो अलग अलग सिस्टम है। लो भाई पहुँच ही गया पास और बस इसको देखते हैं, अगर ये अपने आप कट मुड़ गया फिर तो भाई बहुत ही बढ़िया, नहीं तो मेरे को सेटिंग करनी पड़ेगी, बस एक बार इसको लगा ले। तो ट्रैक्टर अपने पास 5-6 हैं तगड़े तगड़े, देखते हैं उनके साथ भाई आज कौन सा ट्रैक्टर कितनी टेस्टिंग में पास होगा, देखते हैं उनका टेस्ट करेंगे। तो प्लो भाई असली वाले हैं, कोई भी मोड शॉट नहीं है, ओरिजिनल प्लो है, देखते हैं आज क्या ही होने वाला। तो इनकी प्लोइंग मैंने कर दी थी, लो भाई चलो भाई गाय को हटाते हैं अभी, और संदू पाजी देखते हैं किधर को जाने वाले हैं भाई, किधर को जाओ, लेफ्ट को, राइट को जाओ, राइट को, राइट को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओए होए होए होए, संदू पाजी मज़ा दिलाता, लो भाई अपने आप ही चले गए वो, मुझे कोई जरूरत ही, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली भाई लेफ्ट को जाएगा, क्योंकि इधर राइट में तो जगह ही नहीं बची, तो इस हेल्पर को इधर को जाना ही पड़ेगा। टिंकू पाजी इधर चल लो लेफ्ट में, लो भाई तो 4 लगाए मैंने, 2 इस खेत को काटेंगे, मतलब इस पोर्शन को, 2 इस पोर्शन को। चलो भाई चलो जल्दी चल, जल्दी चल, घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा। तो भाई एक लाइन में कॉटन हमें मिली है 13,070, मतलब 13,000 तो देखते हैं कितने लाख कॉटन मिलने वाली है और क्या रेट बिकेगा और क्या रेट मिलेगा, मतलब हमें, मेरे पास थे 37 या 38 मिलियन डॉलर, तो अब भाई 2 मिलियन कम हो गए हैं, क्योंकि किराया वराया लग गया इनका बहुत सारा। तो चलो यहाँ पर हो गया, जिंदगी इनकी सेट हो गई, काम सेट हो गया, चलते हैं अपने ट्रैक्टर की तरफ। तो लो भाई सबसे पहले सिद्धू भाई का ट्रैक्टर आया, 0.11 HMT, चलो भाई लगा दे फटाफट, लो आगे आगे भाई, इसकी ब्रेक बहुत ही तेज है, देखो ये ब्रेक शू इसके नए हैं भैया, भाई 10 मीटर का इसको लगाते हैं और थोड़ा दूर लेके जाना पड़ेगा। आ जा भैया, ओ भाई आराम से आराम से आराम, ओ भाई इसकी जरा हिच थोड़ी सी नीचे है तो शायद दिक्कत कर रहा है भाई, बीच में निकलते हैं थोड़ा सा, बस यहाँ पे ठीक। तो इसकी करने बाद प्लोइंग और सीधा करके प्लो को खोलते हैं, ये भाई अब आएगा मज़ा। तो ये भाई 10 मीटर का ये खुल गया, ओके बीकन ऑन कर लेते हैं भाई, कोई बीच में नहीं आएगा, क्योंकि कोई प्लो बहुत खतरनाक चीज़ होती है भाई, ब्लेड बहुत तगड़े होते हैं। तो लोगों करते हैं डाउन और दबाते हैं क्रूज मोड, लो भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सिद्धू मूसेवाले पाजी गंदे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो भाई 11 पे फर्स्ट क्लास, प्रणाई डन भाई, धूम मचा देंगे, धूम मचा देगा भाई ये ट्रैक्टर, है कोई और धूम मचाना ला, कोई नहीं है भाई कोई नहीं है। और ये चल किधर को रहा, अरे भाई सीधा चल, तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम लगाते हैं हेल्पर, हेल्पर अपने आप चलाएगा सीधा सीधा, आप चलते हैं आयशर भाई, आयशर खींच पाएगा कि नहीं मुझे डाउट है। चलो और इसकी आवाज़ देखो पट 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 भाई, आयशर 241, ओके चल भाई आयशर लगा दे। तो ये ले भाई ये लगाया, आयशर की हॉर्स पावर 250 है शायद, तो चलते हैं इसको लेके, इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाऊँगा, क्योंकि तो भाई वहाँ जाके मजा आएगा। और तेरा हॉर्न कैसा है, ये आवाज सुनो यार, ओए होए 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 भाई आवाज ही आवाज है इसकी, तो मज़ेदार है बहुत ही सॉलिड। ओ सीधा 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 कर सीधा कर भाई, प्लो का वजन ज़्यादा ट्रैक्टर का वजन हल्का है। तो खोलते हैं प्लो को फटाफट से और वो देखते हैं कहाँ पहुँच गया, लो भाई अब देखो ठीक है। तो ये देखो हेल्पर भाई सीधा सीधा चला रहा है, हमसे सीधा नहीं चलता क्योंकि हिच इधर उधर भागती है। चल भाई खोल दे खोल दे खोल दे खोल दे खोल दे जल्दी, भी खोला नहीं था यार, एक मिनट
लो को खोल देते हैं, करते हैं डाउन और दबाते हैं तीन। ओ भाई खींच दिया, ओ भाई आयशर ने भी खींच दिया यार साथ पे। हेल्पर लगा देता हूँ क्योंकि हेल्पर चलाएगा इसको। सही सही हेल्पर से तो हेल्पर टेढ़ा कुछ चल रहा है, एक मिनट। अच्छा नहीं सही चल रहा भाई, आठ पे खींच रहा है भाई, आठ में आठ पे खींच रहा है हेल्पर, बहुत ही बढ़िया यार, सात पे आठ पे। चल भाई आयशर की भी जिंदगी सॉलिड है भाई, क्या ही जच रहा है यार, बहुत ही प्यारा। चल भाई दो हो गए सेट, अब भाई चलते हैं तीसरे के अंदर। लो भाई जिसके अंदर आ गए भाई, अर्जुन कूनर 605। लो भाई कूनर 605 आ गया अपना, और हॉर्न सेगा। ओ भाई यार इसमें तो हॉर्न ही नहीं है यार, ओह लेकिन भाई इसकी लाटें बड़ी गदर है यार, ये देखो भाई, ये देखो, देख रहे हो, ओह क्या ही कूनर है भाई। कूनर के आगे भी एक कूनर है छोटा सा, तो इसके मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। और हाँ पिछले वीडियो जो पिंकी ट्रक वाला था उसके ऊपर 40 रुपये का थैंक्स आया था करण भाई की तरफ से, थैंक यू करण भाई, आप सपोर्ट करते हो बहुत ज़्यादा। और इसको लेके चलते हैं थोड़ा सा, ओ भाई 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 भाई, तो ये भाई फ्लो का वजन ही बहुत ज़्यादा है, इसको चाहिए ट्रैक्टर जिसके भाई पहिए चार चार पाँच पाँच हो। तो भाई उस कोने पे मैं लगाऊंगा स्वराज को, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ बिल्कुल, और एक ट्रैक्टर और बचा है फार्म ट्रैक, उसको मैं कोने पे लगाऊंगा। इसको लगाते हैं थोड़ा बीच में यहाँ पे, बस बस ठीक ठीक है ठीक है ठीक। चलो भाई प्लो को खोल देता हूँ जल्दी से पहले ही, ताकि टाइम ना ख़राब हो किसी का। ओके वैसे प्लो सीधा करके खोलना चाहिए, देखो अब दिक्कत हो जाती है। चल 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 चल, चल कूनर, और भाई कूनर ही तो यार, कूनर कट क्यों नहीं रहा, इधर इधर काट, अब काट भाई, ओए यार इधर फेल हो रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इसको प्लो को डाउन, तीन दबाते हैं, इधर इधर चल। ओ भाई कूनर से कितनी था, एक मिनट यार ये क्या हो रहा है, बस सीधा करना पड़ेगा, पीछे चल पीछे चल, हाँ सीधा करते हैं। ओह यार कूनर खींच का पर पंगा है, मैंने इसकी टेस्टिंग करी थी, मुझे ध्यान नहीं है कि इसने कितना खींचा था, अगर कूनर फेल हो गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा यार, एक मिनट रुक जाओ। चल भाई कर दे शुरू, हेल्पर लगा देता हूँ, देखता हूँ हेल्पर क्या करता है। ओ भाई कूनर फेल हो गया, लो भाई कूनर ने काम छोड़ दिया, कूनर ने काम करना बंद कर दिया। एक मिनट इसको तो और आगे लेके आते हैं यार, एक मिनट इसकी हिच में दिक्कत है क्या, लो को बंद करता हूँ एक बार, कूनर क्या लगता है वेट लगाना पड़ेगा भाई। एक मिनट दोबारा चलते हैं, सीधा करके लाता हूँ पीछे, हाँ भाई कूनर, ओहो नो 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 भाई कूनर, कूनर वैसे उधर भाई दबे आओ सीधा चल भाई, यो नो 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 कूनर के बस की नहीं, मुझे लगता कूनर वैसे तो अच्छा है ट्रैक्टर बहुत ही बढ़िया, लेकिन भाई 10 मीटर के प्लो को खींचना बहुत ही मुश्किल है भाई, भाई 30 फुट का प्लो है। अब देखते हैं भाई यहाँ पे, एक मिनट हेल्पर लगाता हूँ ट्रैक्ट, देखते हैं खींचता कि नहीं, ये कैसे खोल रहा है। अच्छा हाँ चल, ओ भाई नहीं, देखो यार ये दोनों खींच के लेके जा रहे हैं भाई, अब एक लाइन भी नहीं हुई, लेकिन भाई इससे नहीं हो रहा, कूनर ब्लॉक, ओ भाई चलो यार छोड़ो फिर कूनर को, अब चलते हैं टाइम क्यों खराब करें। तो अब मैं चलता हूँ फार्म ट्रैक के अंदर, स्वराज को मैं भाई इस कोने पर लगाऊंगा। तो ये भाई फार्म ट्रैक 60-55। चल भाई और तेरा हॉर्न कैसा था, ये भाई इसका हॉर्न भाई भूल गया, बहुत टाइम हो गया। तो फार्म ट्रैक की हॉर्स पावर अच्छी है, तगड़ी है, देखते हैं कितना भी खींचता है ये। तो भाई आज करेंगे देसी स्टाइल में प्लोइंग, तो इसको ले चलते हैं भाई कूनर के पास, कूनर तो फेल हो गया, कूनर फेल हो गया यार, हद हो गई यार, मेरे तो विश्वास नहीं हो रहा अपने अक्खा पे, ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया। देखो भाई स्टार गेमिंग की लोगो लगी हुई आगे, स्टार गेमिंग लिखा हुआ अंदर तो इसको लगाते हैं कूनर के यहाँ पे थोड़ा सा और आगे, बस बस बस, ओके भाई ओके ओके, ये भाई ये ट्रैक्टर सॉलिड है, देखो देख रहे फार्म ट्रैक की बात ही अलग है। चल भाई खोल दे फटाफट, तो ट्रैक्टर जरूरत पड़ेगी तो और लेता हूँ भाई, अभी मेरे को जरूरत है ट्रैक्टर बहुत सारे चाहिए। चल भाई फार्म ट्रैक सीधा कर ले, कर दे डाउन, ओके लो भाई तीन दबा देते हैं, ये भाई सात पे, हेल्पर को लगा देते हैं ताकि सीधी सीधी लाइन चले,
हेल्पर खींच रहा है, चार पे, तीन पे, दो पे, ओ भाई फंस गया भाई, चल ही नहीं पा रहा, वेट चाहिए आगे, वेट चाहिए, वेट 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 वेट, दो पे भाई टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है ये तो, एक मिनट। तो अभी तक कौन सा ट्रैक्टर कामयाब हुआ है भाई? भाई सिद्धू मूसे वाले भाजी ने देखो भाई एक लाइन कर दी फटाफट, और ये भाई गुंदर अच्छा तो आंसर निकला, पांच पे चल तो रहा है भाई, पांच पे आ गया, सात पे था पहले। चलो यार अर्शु अर्शु ओ अर्शु कर दे शाबाश शाबाश, तीन पे, चलो भाई तीन पे कर रहा है, देखते हैं इसको थोड़ी देर बाद। लो भाई हूँ आया स्वराज 855 स्वराज एफ पी छोटा, देखते हैं छोटा ये ओरिजिनल भाई, इसका मैंने कलर अभी चेंज नहीं करा, FS22 के लिए मैंने करे हैं, इसका अभी कलर नहीं बदला ये, अब इसका हॉर्न भांसुजा ये देखा, अब देखते हैं स्वराज ने कितनी स्पीड पे खींचा था। तो इनकी टेस्टिंग करे हुए जमाना हो गया भाई, मुझे याद नहीं है कि इन्होंने कितनी कितनी पे टेस्टिंग करी थी, इधर करना पड़ेगा बस ठीक है, नहीं यार और थोड़ा सा उधर करना पड़ेगा, तो घुमाना पड़ेगा। स्वराज की हिच सही है, देखो स्वराज की हिच नई ओरिजिनल मतलब न्यू टाइप है, तो इसको घुमाते हैं एक बार थोड़ा सा, बस यहाँ पे ठीक होगा, हाँ भाई यहाँ पे ठीक है। लो भाई स्वराज का टेस्ट करते हैं, अब करते हैं प्लो को डाउन, दबाते हैं भाई क्रूज मोड तीन ऑन, ये चौटे खचते भाई खचते खचते शाबाश, तो यहाँ पे लगाते हैं चौटे के ऊपर एक हेल्पर बढ़िया सा जैकेट वाला, चाइनीज मुंडा आया अभी, चाइनीज मुंडा आया मोमो शोमो खा के। लो भाई स्वराज कर रहा है 6 पे बस, अब यार तो बहुत ही बेकार निकला, सबसे अच्छा चल रहा है भाई अपने 9-11 ने फटे चक्के पे, देखो भाई 11 पे सबसे बढ़िया 9-11 कर रहा, और ये शाम भाई आया 7 पे कर रहा। चलो ठीक है भाई इसको करने देते हैं, चलते हैं कूनर के पास, लोगों को करते हैं बंद, कूनर को निकालते हैं बाहर क्योंकि कूनर हो गया फेल, कूनर का निकल गया तेल, ओ भाई कूनर से तो समझ ओ भाई इधर चल, ओ कूनर वो आग ही करता है यार भाई इसकी जरा, ये ओवर पावर कर रखा है, मतलब अच्छा ट्रैक्टर है लेकिन इसको पावर इसकी ज़्यादा करके इसको बेकार कर दिया। तो कूनर को भी मैं यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ और चलते हैं अब अपने अपने दुकान के अंदर, यहाँ पे लगाते हैं अपनी दुकान और चलते हैं भाई देखते हैं कौन कौन सा ट्रैक्टर है अपने पास। तो ट्रैक्टरों की दुनिया में, ट्रैक्टरों की मंडी में जाएंगे, कहाँ पे ट्रैक्टर, ये लार्ज ट्रैक्टर भाई इसके अंदर ऐसी लिस्ट आती है, तब मैं जरा कन्फ्यूज हो जाता हूँ। तो मेरे पास अर्जुन 605 कूनर है 36, ये 36 अपने को नहीं है, एक ऑन नहीं भाई कोई नहीं है जीरो, ये 36 तो ये 36 का सिलेंसर नीचे को है, ये इसका सिलेंसर भाई ऊपर को, तो नीचे वाला लेते हैं चलो, ये भाई 590 और 100 ओवर का, ये इसको करते हैं भाई ये खरीद लेते हैं और आगे चलते हैं। HMT 911 ये किसने बनाया भाई, ये भी अच्छा, ये भी अपना ही है लेकिन वो सिद्धू भाजी का, और चलते हैं महिंद्रा अर्जुन है अपने कल, ऐ नहीं चाहिए, ऐसी हॉर्स पावर कितनी है भाई 400 कम है, और चाहिए अर्जुन ब्लैक, अर्जुन ब्लैक 400 पावर है कम है, चलो एक काम करते हैं इसको ले लेते हैं ब्लैक वाले को, देखते हैं इसको किराए पर ले लेता हूँ, इतने सारे ट्रैक्टर लेके भाई क्या करूँगा, और ये नहीं चाहिए, लिजार्ड का कौन सा है भाई, ये सोनालिका, ओए होए 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 सोनालिका DI-60 भाई, इतना धांसू ट्रैक्टर किसको तो मैं भूल ही गया भाई, जट दियाँ चढ़ता तो सड़दा है पिंड सारा भाई, बनाया थी तालीवाल गेमिंग ने, तो भाई तालीवाल गेमिंग का ये नाडा, ओ भाई आगे चेन लगा ली, ये क्या ही जच रहा, ओ भाई पैडी वाले इसके पहिए भी, ओ भाई डबल पहिए भी इसके अंदर, तो ये भाई डबल टायर, वाह भाई वाह, तो डबल टायर मैंने कभी इस्तेमाल नहीं करे, ये भाई 600 पावर का। अब चलते हैं और आगे देखते हैं कौन सा और ट्रैक्टर ले सकते हैं हम, एस्कॉर्ट 355, ओ भाई कितना शानदार ट्रैक्टर है ये यार, बहुत टाइम हो गया इनको, ये 911 एक और है 300, इसकी हिच में प्रॉब्लम है, हिच नीचे है, तो यार एक मेरे पास वो था हिंदुस्तान की कसम जॉन डियर 5100, हाँ यार ये भी 690 और 100 का, चलो इसको बाद में करेंगे, मैं अभी लेने वाला था हिंदुस्तान का। तो भाई ट्रैक्टर की लाइन लगी पड़ी है,
अब हिंदुस्तान कहाँ चला गया, हिंदुस्तान मेरी जान। अब भाई इतने सारे ट्रैक्टर यार इसके अंदर नहीं है, मुझे लगता है वो मीडियम ट्रैक्टर में होगा। चलते हैं पीछे, तो ये है हिंदुस्तान। ये भाई क्या ही छलांग मार के आया, आगे बनी आवाज की आंखें। तो इसके हैं दो साइलेंसर, और ये पुराना वाला, ये पुराना है 595 हॉर्स पावर का, ये नया है झंडा नहीं लगा। ये सेम है हॉर्स पावर सेम है, लेकिन भाई ये लेंगे झंडे वाला। भाई झंडा जस्ता आगे देखो, मजदूर एकता जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। एक मिनट भाई, इसमें देखते सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं है। ये भी अच्छा 595 हॉर्स पावर का, इसको कर लेंगे टायर। एक मिनट टायर भाई मोटे वाले लेंगे ये, तो भाई बाई करते हैं। यार हिंदुस्तान को मैं कैसे भूल गया, हिंदुस्तान 60। ओ बोले नहीं बम्बी, हाँ बोले गाने जब भाई ट्रैक्टर सीखा मैंने, बहुत बढ़िया लग गया। तो ये आगे भी अपने चार ट्रैक्टर, और अब भाई खेत बहुत बड़ा है भाई, 200 एकड़ का खेत है, मजाकबाजी नहीं है। तो देखो भाई अभी आयचर भी फेल होने वाला है थोड़ी देर में, आयचर का भी काम खराब होने वाला है। इसमें से भी पता नहीं कौन कौन से ट्रैक्टर पास होंगे कौन से फेल होंगे, अभी मुझे पता नहीं है। तो भाई मैंने टेस्टिंग की करी है थोड़ी थोड़ी, दो दो मिनट की, आज इसके साथ खेत ब्लो करना है। तो देखते हैं कितना होने वाला है, इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। बस मुझे लगता है इतना तो कर ही देगा, बाकी मैं फिर सेटिंग बाद में करूँगा इनकी। तो इसको लगाते हैं भाई यहाँ पे, अब देखते हैं ये कितना क्या करने वाला है। तो यहाँ पे NE930T हॉर्न हॉर्न आएगा। आए हाय मर जमा तेरे हॉर्न पे भाई, आगे लिखा जिमीदार, पीछे की लिखे भाई पीछे लिखे स्टार भाई, स्टार जिमीदार। लो भाई चलाते हैं, इसकी लट्टे शट्टे भी थी भाई गदरी गदर। 30T देखते हैं भाई कैसे खेलने वाला, इसका सिलेंसर देखो भाई, सेंसर नीचे, और देखते हैं कितना स्पीड पे खींचने वाला है ये। और करते हैं ब्लो को डाउन, तीन दबा के क्रूज मोड करते हैं ऑन। ये भाई 8 पे 7 पे लगाते हैं हेल्पर, कुड़ी आई है वो, स्टार की वाइफ आ गई। लो लो भाई अब देखते हैं कौन कौन सा फेल हो गया भाई। अर्शु भाई यो ना चलने वाला फार्म ट्रैक भाई, 3 पे खींच रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है इसको। चलो एक काम करते हैं, अभी स्वराज कहाँ चला गया? ओ भाई फार्म ट्रैक से अच्छा तो यार स्वराज चल रहा है, देखो लाइन खींच के आ भी गया वापिस। और सिद्धू भाजी आए हैं, सिद्धू भाजी देखते हैं कितना काम करने वाले हैं। अब चलते हैं इसके अंदर। ओ यार ये तो कूनर आ गया यार, कूनर नहीं चाहिए भाई, एक बार प्लो और लेने पड़ेंगे मेरे को। यहाँ पे लगाता हूँ भाई, आज फुल टेस्टिंग करनी है, टेंशन मत लो। और एक काम करते हैं यार, एक काम करना था भाई, इसको एक बार सेव मार दूँ, रुक जाओ भाई नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। ओ यार शॉप में जाना था, और चलते हैं प्लो के अंदर। तो ये है भाई इसके अंदर कहाँ गया रे, ये है भाई प्लो, इसको किराए पे लेते हैं। 1 2 3 बस वो होता, 3 ट्रैक्टर 3 प्लो। वो ये क्या हुआ, अच्छा तो भाई इधर आया, चल भाई हिंदुस्तान के अंदर। और हिंदुस्तान का हॉर्न ये भाई गदर गदर। ओ भाई सड़क पे आ गया प्लो, जल्दी हटाओ जल्दी हटाओ भाई, ट्रैफिक जाम होने वाला, पीछे गाड़ियां आ रही है, जल्दी कर जल्दी कर। ओ भाई आराम से आराम से। तो इसको तो मैं सामने लगा देता हूँ यार, यहाँ पर अभी बहुत जगह खाली पड़ी है भाई, 200 एकड़ खेत है ना यार, छोटा मोटा नहीं है। ओके बस बस बस। तो ये भाई अपना हिंदुस्तान। ओह भाई बक्से भाई, बक्से बुक्से लगे हैं देखो, और जार रखने के लिए टूल बॉक्स है भाई। अबे तू उतर क्यों गया भाई? एक मिनट ठीक है भाई, इसको खोलते हैं जल्दी। हिंदुस्तान फ्लो को डाउन करते हैं, एक मिनट खोलने दो यार, बहुत तगड़ा फ्लो है ये। ओ भाई 12 पे, ओ भाई गदर भाई गदर, हिंदुस्तान हिंदुस्तान भाई, देखो क्या ही धूम मचा दी इसने, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। 11 12 पे चल रहा, 12 पे भाई चलते हैं अब इसके अंदर। यार स्वराज ने क्या कर दिया देखते हैं। अरे 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 रीसेट नहीं करना, अबे यार चलना उसके अंदर। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो आके हो गया। ओ भाई हेल्पर हटाओ, हेल्पर पता नहीं किधर को जा रहा है, हेल्पर मुझे लगता भूल गया भाई, इधर करनी थी इधर आगे, कोने पे करी नहीं यार। भाई यार रुक तो जाओ, ऐसे काम करते हैं हेल्पर। अबे चाइनीज हेल्पर बेकार होते हैं यार, चाइनीज हेल्पर नहीं लगाने आज के बाद। चल भाई चल इधर आ जा, इधर आ जा, हाँ घुमा ले घुमा ले।
बस ठीक नहीं, इसे लगाते थोड़ा सा इधर कर लेंगे। फिर कोना छूट गया यार, थोड़ा इधर करना पड़ेगा। आजा 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 आजा, सीधा कर लेते हैं। चल ठीक है, तो ये खींच रहा भाई 60 पे। शिवराज की भी हालत ख़राब हो रही है भाई, शिवराज भी खींच रहा है, लेकिन ये इसका काम ख़राब है 4 पे। चलो, और भाई सिद्धू भाजी देखो कहाँ पहुँच गए। सिद्धू भाजी ने भी एक लाइन बनाई है, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हेल्पर हेल्पर हट क्यों गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे हेल्पर लगाया नहीं था भाई, और यहाँ पे तो मैं ही काम कर रहा था। सॉरी भाई, भूल गया। तो ये खींच रहा भाई 12 पे। हिंदुस्तान 60 सबसे बढ़िया चल रहा है अभी तक। अब चलते हैं सोनालिका भाई, डबल टायर सोनालिका, डबल टायर भाई, DI 60। अब यार ये हॉर्न कैसा है भाई, ओहो नो 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 नो, ये तो मजा नहीं आया। लट्टे बैटे भी है भाई, हाँ पर DJ लगाओ भाई, बहुत बढ़िया। तो इसको थोड़ा सा इधर लेके चलता हूँ। ओह आगे हो गया, ये किधर चला गया, ये अब भाई सोनालिका DI 60 बहुत ही धांसू है ये भी, मुझे लग रहा है बढ़िया काम करेगा। इसको भाई यहाँ पर लगाता हूँ मैं, अभी इनको सेट करूँगा, अभी तो सिर्फ टेस्ट देख रहा हूँ कि कौन कितना पे खींच रहा है, तो उसके बाद इसको करते हैं सेट। लो भाई, आज पहली बार सोनालिका DI लगाने वाला हूँ 60, सोनालिका DI 60, वो भी डबल टायर भाई, टायर भी देख लो सॉलिड सॉलिड है। करते हैं अपनों को डाउन भाई, खींच दियो कम से कम 15-20 पे खींचते, मज़ा आ जाए। ओ भाई ये क्या हुआ, नो 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 नो, 0 पे भाई यार। चल 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 चल, अभी सेट नहीं हुआ, अभी अभी पहिए लोग के पहिए मुड़ गए, चलेगा चलेगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकंड रुको तो सही, नहीं टेढ़ा हो गया प्लो, मुझे लग रहा है प्लो को सीधा करना पड़ेगा। ओ भाई सोनालिका 60, सोनालिका चल, नहीं भाई बहुत मुश्किल है। ठीक है, प्लो को उठाता हूँ, अब करता हूँ डाउन भाई, सीधा कर लेता ना एक बार। हाँ चल 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 चल, नहीं भाई नहीं, सोनालिका नहीं खींच पा रहा यार, बताओ। ओ भाई एक पे 0101 01, ओ भाई डबल टायर फेल हो गए, छोटे वाले टायर है भाई, नहीं ये नहीं खींच पाएगा, बहुत मुश्किल। भाई कूनर में क्यों आ गया भाई, कूनर भी नहीं खींच पाया। अब देखते हैं भाई ये 400 और का अपना महिंद्रा 555 DI भूमिपुत्र अर्जुन, देखते हैं भाई भूमिपुत्र क्या करने वाला है भाई। आवाज तो सॉलिड है, ओके ओके बस 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 बस। ओ भाई क्या फुर्ती से लगाया, तो कितने ट्रैक्टर लगा दिए आज, तो जो जो फेल हो गया उनकी जगह मैं दूसरे लगाता हूँ, फिर वो बाद में लगाऊंगा खरीद के। अभी मेरे पास John Deere 50 भाई, मेरे को ट्रैक्टर ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे आपको दिखाऊंगा तो फिर काम हो जाएगी। चल भाई बस का लास्ट टेस्टिंग करने वाला हूँ, उसके बाद फिर मैं और टेस्ट करता हूँ, जो जो नहीं चल रहा भाई उनको हटा के दूसरे लगाता हूँ। तो करते हैं डाउन, देखते हैं भाई, ये चला भाई चला चला 9 पे 10 पे। लो भाई ये हुआ ना ट्रैक्टर बढ़िया भाई, 10 पे तो कम से कम इस लोगों को खींचनी चाहिए, 10-12 पे इसकी टोटल स्पीड भाई 12 की है। और ये कहाँ जा रहा है, हेल्पर लगाते हैं यार, सीधा सीधा चलाएगा। तो ये जो ट्रैक्टर इनकी खींच में ये दिक्कत है कि ये टेढ़े टेढ़े भागते। ओके भाई लो भाई फटे चल, तो कौन सा फेल हो गया, अभी चल रहे हैं भाई, अभी सारे चल रहे हैं। तो ये फेल हो चुका भाई एक और सोनालिका, इसको एक काम करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं, प्लो को बंद कर दे भाई। ओ ये तो बंद भी नहीं कर रहा भाई, कर क्या रहा है, ऊपर उठा भाई प्लो को भाई यार, ठीक कर दी, कर ही नहीं रहा भाई, एक मिनट सीधा लेके जाता हूँ इसको। ओ एक मिनट जाओ नीचे करते हैं, ट्राई करता हूँ एक बार। चल 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 चल, 3 पे 2 पे 1 पे चल, ओ चल सोनालिका चल दे यार, नहीं बहुत मुश्किल है। एक काम करते हैं, इसको बाहर खड़ा करके आते हैं, तो बाहर खड़ा करके आते हैं भाई, इससे नहीं खींच रहा, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है भाई इसके साथ। बस एक लास्ट लो मुझे लगाना है यहाँ पर बस इस, अब देखता हूँ एक बढ़िया स्ट्रैक्टर और, यहाँ पे चलते हैं प्लो के पास, क्योंकि भाई प्लो यहीं पे खड़ा है, शॉप लगाते हैं।
एक ट्रैक्टर और देखता हूँ, लार्ज ट्रैक्टर के अंदर कौन कौन से हैं। तो यार इसमें चलना, लार्ज ट्रैक्टर के अंदर कौन सा मोड है देखता हूँ मेरे पास। भाई इसके अंदर तो कोई मोड ही नहीं है। अच्छा ये गिरीश वाला, ये तो खींच ही देगा यार। अपना बनाया हुआ कौन सा मोड है, इंडियन फेंडेड हो गया ये भाई। ये तो बहुत बड़े बड़े, ये तो खींच देंगे आराम से। नहीं भाई इसमें नहीं है, इसी में है भाई मीडियम ट्रैक्टर। मीडियम के अंदर देखते हैं, एक मिनट ये कौन सा था, 430। ओह ये भी है भाई, 640 और पावर का। चलो भाई फोर्ड को लगाते हैं, उसको भी लेते हैं किराए पे, जो जो अच्छा होगा उसको भाई फिर बाद में खरीद लेंगे। तो 430 भी अपने पास, मैं भूल गया था, बहुत टाइम हो गया। उसका हॉर्न, ओ भाई रेलगाड़ी वाला हॉर्न, दो दो हॉर्न लगा रखे भाई ऊपर देखो। और साइलेंसर देखो, चंडा लगा रखा है, किसान नौजवान किसान एकता रोश। चल भाई कर दे पीछे, ओके देखते हैं भाई ये कैसे करता है काम। लगाते हैं इसको, करते हैं अपलो को डाउन, लगाते हैं तीन। चल पड़ा भाई 7 पे 8 पे, हेल्पर लगा देता हूँ। लो भाई 9 पे 10 पे, सही चल रहा भाई फर्स्ट क्लास। तो दो ट्रैक्टर अपने फेल हो गए, कूनर और सोनाली का DI-60, तो वो बाहर खड़े कर दिए मैंने। और अभी प्लोइंग इतनी इतनी हो रही है देखो, तो आज इनको प्लो करना है जैसे भी हो। और ये कौन सा है, ये भी फेल हो रहा है, लेकिन चलो 4 पे चल रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है ना, बस चलना चाहिए। और इनको भी देख ले, ओ भाई लवली ने तो खेत ही उड़ा दिया। लो भाई देखा, इन चारों से नहीं कटा अभी तक, 200 एकड़ अकेले भाई ने काट दिया देखो। और कॉटन हमें मिली है भाई 3 लाख कुछ, तो मैं एक बार सारे हार्वेस्टर इकट्ठे कर लूँगा, फिर मैं कॉटन इकट्ठी बाद में लूँगा। तो अभी काम करते हैं कि अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। रेस्ट क्या करते हैं कि इन ट्रैक्टर को देखते हैं कैसे कैसे काम करते हैं इनके साथ भाई, फटाफट से ये खेत प्लो करके फिर मुझे यहाँ पर फसल लगानी। और इनको देख लेते हैं भाई इनकी कितनी कितनी मिल गई। तो इनको मिल चुकी है भाई 1-1 लाख, तो यानी कि 4 लाख ये हो गई और 7 लाख लवली बाजी के पास हो गई। तो 7 लाख मिली है टोटल अभी तक, तो मेरे को लगता है टोटल ये 4 और मिल जाएगी, तो 10 या 11 लाख मिल जाएगी। लो लवली भाई ने तो काम ही खत्म कर दिया भाई। इधर तो आओ, ये लाइन कौन काटेगा लवली भाजी, इन्हें कट्टन ले को पड़ोसी आन गए साढ़े भाई। इसको काट देता हूँ मैं, फिर इसको करते हैं अभी। फिर मैं थोड़ी देर बाद आपको मिलूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम लगेगा भाई इसके अंदर। ये इसकी स्पीड ज़्यादा ना, इसलिए भाई इसने काट दिया। तो यहाँ पर मैं सोच रहा था 2 लगाऊँ पहले, लेकिन उसका फायदा नहीं था, क्योंकि भाई ये 1 28 मीटर का बहुत है। गलती कर दी, ये जो 4 लगाए इसकी जगह भाई 2 लगाते हैं ऐसे बड़े बड़े, कोई दिक्कत नहीं है यार, चलो अगली बार लगाएंगे। तो अलग अलग टेस्ट भी करना चाहिए ना कि कितना टाइम लगता है किस हार्वेस्टर के साथ, किस हेडर के साथ कितनी दिक्कत होती है। ये भाई, ये भाई देखो, ओ भाई भाई जैसे रावण की मूछें होती है ना बड़ी बड़ी ये। और भाई मेरे को पिंक कलर अच्छा लगा बहुत इसका, तो मैंने इसको भी पिंकी बना दिया। ये तो पिंकी नहीं है भाई, ये हार्वेस्टर, ये पिंका 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 भाजी। ये पिंके भाजी हैं। और कल अपना पिंकी ट्रैक्टर फंस गया था भाई। और यार व्यू बहुत ही कम आते हैं हर जो भी वीडियो डालो यार, क्या चक्कर है भाई, पसंद नहीं आ रहे क्या, बता दो यार अपना। देखो आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, मेरा भी कर रहे हो, तो अगर नहीं पसंद है तो मैं बंद कर देता हूँ चैनल वैनल। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऑल ओवर टैक्सी डाल के भाई टैक्सी चलानी शुरू कर दूँ, उसके अंदर फिर ब्लॉग बना कर अपने ब्लॉग बना कर डाला करूँगा। तो काट दे भाई जल्दी से, कितनी बची भाई, ये तो फुल भी नहीं हुआ। कैपेसिटी भाई इसकी 5 लाख की, तो देखते हैं भाई। बहुत बढ़िया आइकॉनिक भाई ने बनाया है, आइकॉनिक का सेट ये बहुत ही शानदार है। बस इधर जा रहा है भाई इधर आ। तो ये खेत तो हो गया भाई 100 एकड़ का। अब यहाँ पर इस बार मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि सारे खेतों में भाई एक ही फसल लगा दूँ, आलू या फिर शुगर बीट। तो एक ही, क्योंकि एक ही फसल बेचेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अलग अलग फसलें बेचने से एक तो किराया बहुत लगता है ना, और उसके बाद किराया भी लगता है, और फिर भाई फायदा नहीं होता। इसको करते भाई बंद एक्स से, एक मिनट भाई इसको नहीं, इसको ये। तो ठीक है भाई, इसको अभी मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, ये अभी भाई 4 काम कर रहे हैं। इनको काटने के बाद मैं फिर जाऊँगा कॉटन बेचने अपनी ट्रॉलियाँ उठा के। और अभी ये देखो ये भाई इधर आ गया, और अच्छा ओ यार ये ब्लॉक घूमता भी है, अच्छा टर्न ओवर भी हो जाता भाई देखो। और ये आयशर देखो भाई क्या ही प्यारी आवाज़ है। अच्छा भाई मुझे अच्छा लगा इतनी कम हॉर्स पावर के अंदर भी, और भाई 5 पे खींच रहा है। और फोर्ड अपना जो है ये देखो, ओ हिंदुस्तान भी भाई 12, हिंदुस्तान ने फटे चक्के पे है भाई, हिंदुस्तान 60 फुल पावर के साथ भाई 12 पे खींच रहा है।
ये देख रहे हो ट्रैक्टर का भाई कलर देखो क्या शानदार। और ये इसको भाई को दिक्कत हो रही है, ये बहुत स्लो खींच रहा है। चलो जब तक है जान जाने जहान मैं खींचूंगा, जब तक चल रहे हैं तब तक चलने दो। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर के अंदर, इसको जरा मैं सारे का प्लो कर दूँ और कॉटन कट जाएगी, फिर कॉटन बेचते हैं और यहाँ पर फिर लगाते हैं फसल वसल। तो लो भाई सारे ट्रैक्टरों ने अपना अपना काम कर दिया है और स्वराज भी देखो थोड़ा सा बचा है इसका, बस इसने भाई सारा एरिया कर दिया और भाई सारे ट्रैक्टरों ने अपना काम खत्म कर दिया। देखो बाकी ये लगे हुए हैं तीन चार अभी, और सबसे बढ़िया ट्रैक्टर भाई यही नहीं है, न्यू हॉलैंड का 3630 भाई 9 की स्पीड पे, और ये देखो भाई हिंद 999 11 पे भाई इसने बहुत ही बढ़िया काम करा है। और सिद्धू बाजी का ट्रैक्टर भी भाई देखो ये भी भाई 10 पे लगा हुआ, कब से भाई इसने पूरा खेत कर डाला। और एक ट्रैक्टर हो रहा है भाई यहाँ पे, ये कौन सा है 4 3600 भाई इसमें भी बहुत पावर है, ये भी भाई 10 12 पे खींच रहा है इस प्लो को। तो प्लो चलो ये तो प्लो तो मैं कर लूँगा बाद में, क्योंकि अब भाई कॉटन भी बेचनी है, कॉटन के लिए भाई मैंने यहाँ पे खड़ा करा अपना आयशर 241। तो भाई आयशर में चलेंगे आज कॉटन बेचने, और ये कॉटन के टिप्पर भाई गेम में होते नहीं है, तो मैंने 2 बनाए हैं अपने, तो इनको मॉडिफाई करके इनको मैंने कॉटन का बना दिया। तो ये है भाई ट्रॉली अपनी टिप्पर, तो इसको खोलते हैं ढक्कन इसका, ये देखो भाई रेड और ब्लू, और इसके साथ भाई अटैचर भी है, इसको लगाते हैं दूसरे के पीछे। और ये एक भाई 5 लाख की है, तो कॉटन भाई अपने को मिली है टोटल 9 9.5 लाख के आसपास, तो मैंने 2 ट्रॉली बनाई है। तो उसका भी ढक्कन खोल लेते हैं एक बार, इसका नहीं इसका नहीं, अरे यार एक मिनट भाई ये क्या हो गया, गलत बटन दबाओगे तो ऐसे होगा एक मिनट भाई जी दबा के उसका भी ढक्कन खोलना था, हाँ अब खोला। तो ये कॉटन यहाँ से मिली है 1.5 1.5 लाख हर हार्वेस्टर के अंदर है, ये 4 है तो 6 6.5 लाख तो यहीं से मिल गई। और लवली बाजी ने जो काटा था खेत छोटा वाला 100 एकड़ का भाई, वहाँ पे मिली हमें 200 एकड़, सॉरी वहाँ से मिली हमें 3.5 लाख। लो भाई हो गया इसका तो काम, चलो संधू बाजी ने काम ख़त्म कर दिया। अच्छा अच्छा तो भाई स्वराज ने अपना काम ख़त्म कर दिया, वो संधू बाजी लगे हुए थे। तो ये आ गई भाई अपने पास अभी 3 लाख 30 हज़ार, और चलते हैं आगे। लो भाई इसके अंदर आई कॉटन, देखो भाई गिट्टी में नज़र नहीं आती, ये बस ऐसी नज़र आती है। तो ये हो गई अभी अपनी 4, और देखते हैं ट्रॉली फुल हो जाएगी, हाँ भाई फुल हो गई ट्रॉली 5, अब पिछली में डालना पड़ेगा, हाँ अब पिछली ट्रॉली में लेते हैं, बस इतना ही था थोड़ा सा बचा था भाई। चल भाई फटाफट से दे दे तू भी। और भाई इसके अंदर एक प्रॉब्लम है मैप के अंदर, कि जो कॉटन की बेल है वो तो हम बेच सकते हैं, लेकिन जो कॉटन हम काटी जो मतलब हमने खुली कॉटन काटी है तो इसको बोलते हैं लूज कॉटन, तो भाई ये नहीं यहाँ पर बिकेगी, तो उसके लिए भाई अपना स्पेशल पॉइंट लगाना पड़ेगा, मतलब सेलिंग पॉइंट अपना लगाना पड़ेगा भाई। ये देखो भाई जच रही है ना, तो आज स्वराज बेचेगा अकेला, चलते हैं इसको लेके भाई, पुट 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 पुट, पुट। आवाज़ बड़ी प्यारी भाई इसकी। और लवली बाजी को भाई मैंने उधर खड़ा कर रखा है कोने पे, क्योंकि वो उन्होंने आखिरी बार आखिरी लाइन मैंने ही काटी थी, क्योंकि वो काम करके भाग रहे थे, मैं कहा भाई कितने बज रहे हो, काम तो करके जाओ पूरा, कहीं पैसे मिलेंगे तो चलते हैं। ये यार देखो स्वराज भाई आवाज़ इसकी बहुत ही पट 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 की है ना, ये ओरिजिनल मज़ा आया था। और भाई इसका बैलेंस बैलेंस बहुत ही बढ़िया ये, तो भाई आज 10 ट्रैक्टर लगाए प्लो इनके लिए, यार देखो मज़ा आ गया भाई। तो आपका फेवरेट ट्रैक्टर कौन सा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और जब आप प्लोइंग करते हो तो आपको कितनी की स्पीड मिलती है ये भी बताना, और भाई कितने मीटर का प्लो लगाते हैं अब ये भी लिखना। तो ये नहीं है कि 2 मीटर का प्लो लगाया और बोलो कि भाई 20 की स्पीड आ रही है ओके भाई चल भाई आखिरी है ये, तो ये डाल लेते हैं इसके अंदर और छोटा करते हैं थोड़ा सा ये। लो भाई चल 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 चल, कितनी हुई भाई 8.5 लाख हो गई देखो, और ये हुई 9,92,900, थोड़ी सी बच गई 10 लाख में हल्की सी बची है, मतलब बिल्कुल हाथ ही निकल गया, पूछ पूछ रह गई। और यार अपने घोड़े भी 50,000 के हो गए हैं, चलो ऐसा करता हूँ मैं घोड़े बेच देता हूँ या फिर अगली बार बेच देंगे, यार अभी आज टाइम नहीं मिलेगा, बहुत आज बहुत काम था, आपको पता ही यार काम कितना होता है। देखो ये देखो 2 ट्रॉली भाई जच रही है,
तो ट्रॉली छोटी भी है मेरे पास, 3 लाख की, 1 लाख की। अगर मैं 3 लाख की ट्रॉली लगाता तो भाई मुझे 4 लगानी पड़ती, और 1 लाख की लगाता तो भाई मेरे को 10 लगानी पड़ती। ओहो भाई एक हाथ ढोक दिया। अच्छा भाई सोलर प्लांट है अपना, भाई सोलर प्लांट के अंदर नहीं जाना। तो ये अपना सोलर प्लांट है भाई, इससे भी कुछ पैसे आते रहते हैं यार। तो सेलिंग पॉइंट लगाते हैं अपना यहाँ पर चल के, क्योंकि यार ये कहीं पर बिक नहीं रही। तो मैंने ट्राई किया था भाई लेकिन फेल हो गया। तो इसमें 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर कॉटन बिकती है लेकिन वहाँ पर बिक नहीं रही। चलो ओके चलते भाई शॉप के अंदर, मिसलेनियस में ये, और मेरे पास सेलिंग पॉइंट थे कई सारे देखता हूँ। तो ये है सेलिंग पॉइंट यूनिवर्सल, तो यहाँ पे रेट मिलेगा 100%। इसको लगाऊंगा तो भाई रेट मिलेगा 150, यानी कि 100 रुपये का 150 रुपये मिलेगा। तो ये चीटिंग हो गई। चलो ओरिजिनल वाला लगाते हैं ये, इसको कहाँ लगा दूँ यार, ऐसे में लगा देते हैं, इसके साइलों के साथ ही लगा देते हैं ऐसे करके, है ना, अच्छा लगेगा। तो थोड़ा दूर कर लेता हूँ बस, ठीक है। तो भाई ये हो गया अपना सेलिंग स्टेशन, अब चलते हैं इसको लेके ट्रॉली को इधर से। तो पहले भाई अगली ट्रॉली सेट करनी पड़ेगी। हाँ देखते हैं, अगर दोनों ट्रॉली इकट्ठा माल डाल लेंगी तो फिर बढ़िया काम हो जाएगा, फटाफट मिल जाएगी। और इसको डालने में पता नहीं कितनी देर लगेगी। चल भाई ओके आगे आ जा। और थोड़ा सा कॉटन आ गई, ठीक है, इसकी कॉटन देते हैं भाई आई से, और पिछली की भी देते हैं। ये भाई क्या ही मज़ेदार सीन ये भाई, ये सीन तो बनता है देखना। लो भाई कॉटन बिक गए भाई, और ये काली काली सी फोटो बहुत ज़्यादा ही आ रही, क्या चक्कर है। और पैसे देखो भाई ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, धनाधन धनाधन 36 मिलियन हो गए। तो इस बार फसल नहीं लगाई मैंने, जो प्लोइंग करी है वहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि आलू या भाई शुगर बीट लगाता हूँ। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि मैं कौन सी फसल लगाऊँ, आलू या शुगर बीट, नहीं तो फिर मैं अपनी मर्जी से लगा लूँगा। एक बार आलू लगा लूँगा, एक बार शुगर बीट लगा लूँगा। लो भाई पैसे देखते हैं अभी, अभी तो अच्छा ओ भाई अभी तो 8 लाख कॉटन बाकी है। चलो मैं काम करता हूँ इसको बेच के, क्योंकि इसमें अभी टाइम लगेगा, तो फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद कितने पैसे हुए। तो लोग गाइस 38 मिलियन डॉलर हो चुके हैं भाई अपने पास, कॉटन अभी तक जाए जा रहे भाई, बहुत देर हो चुकी है और ख़त्म होने वाली है मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने तो ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया और भाई नीचे उतर के खड़ा हो गया हूँ, और बहुत ही बढ़िया नज़ारा आ रहा है यार। ट्रॉली देखो भाई, जैक इसका कम से कम मुझे लगता है 8 फुट के आसपास तो होगा यार, काफ़ी लंबा जैक है। और पैसे देखते हैं 39 मिलियन हो जाएंगे क्या। और कॉटन का रेट भी नहीं देखा मैंने, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखते हैं क्या रेट। अभी जरा चलने दो पैसे, ये लो भाई एक ट्रॉली का काम को। अरे अच्छा पिछली ट्रॉली में भाई माल कम था इसलिए वो जल्दी हो गई डाउन। तो 1.8 मिलियन डॉलर मिले भाई अपन को टोटल। और ये आ गए भाई अपनी ट्रॉली दोनों नीचे, और इसको करते हैं भाई अभी बंद। चलो इसको साइड में खड़ा कर देता हूँ एक बार। तो 2 मिलियन के आसपास मिल गया हमें, और अगर मैं दूसरा सेलिंग पॉइंट लगाता यानी कि 150% वाला, तो भाई फिर मुझे मिलते हैं 3 मिलियन। तो ये ट्रॉली अपनी पुरानी खड़ी है, और यार इंजन नहीं बंद करा, एक मिनट इसको इंजन बंद कर देते हैं। ओके तो ठीक है भाई, ये तो आज का गेम प्ले, अभी तो ये फ्लोइंग चल रही है, इसके बाद फिर मैं करता हूँ अपना यहाँ पर फसल लगाता हूँ, और फिर अगली बार काटेंगे उसको और पैसे कमाएंगे सारे। तो आज बहुत सारा काम करा हमने, देखा आपने तो कैसा लगा आज का गेम प्ले ज़रूर बताना, और आपका फेवरेट ट्रैक्टर कौन सा ये ज़रूर बताना भाई। ये 4 ट्रैक्टर भाई बहुत ही धांसू निकले, इन्होंने बहुत अच्छी प्लोइंग करी है 9-10 पे भाई, और फोर्ड तो भाई 12 पे भी चल रहा है। देखो फोर्ड देख लो भाई, फोर्ड 3600 भाई सबसे धांसू भाई, अभी 12 पे था क्योंकि अभी एक लो इतने कर दी है, तो ये डाउन हो गई इसकी थोड़ी सी बैटरी, तो ये 11 पे आ गया। बाकी एक और है भाई यहाँ पे, ये है भाई सिद्धू भाजी का एक टिंकू बंटी, हाँ ये है भाई न्यूजीलैंड 36 TB भाई धांसू ट्रैक्टर है यार, देखो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। चलो ठीक है यार, फिर मिलते हैं आपसे अगले गेम प्ले के अंदर, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखो। और ये है कैनेडियन प्रोडक्शन मैप, काफ़ी दिनों बाद खेल रहा हूँ इसको, तो उसके बाद फिर देखेंगे FS22 का गेम प्ले बनाएंगे। ओके फिर मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखो, खाओ पियो स्वस्थ रहो, और भाई ये वीडियो देख के मस्त रहो। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।